आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तानाशाहों से करने पर भी जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसी विकसित देश ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया है, ये मुसोलिनी, गद्दाफी और हिटलर ने किया और अब इसी कतार में मोदी का नाम है। इस पर सदन में हंगामा हुआ। सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने कहा कि इमरजेंसी लगाने वाले और जेपी को जेल में डालने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पिछले कई सालों में किसी सभ्य देश ने, किसी विकसित देश ने ये डिमोनेटाइजेशन नहीं किया। किया किसने है? अब आप उसी लाइन में चलिए, जब ध्यान से सुनिएगा। किया था कर्नल गद्दाफी ने तानाशाह। दूसरा किसने किया था? मुसोलिनी ने तानाशाह। तीसरा हिटलर ने भी किया। चौथा नाम अगर लिया जाएगा तो हम तो आपको बैठालते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ। आप जाके बैठ गए गद्दाफी, मुसल्लों और हिटलर की कैटेगरी में। ये आज चौथा नाम किसका लिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का। जब कहीं लिखा जाएगा किन किन लोगों ने किया, तो उनमें चौथा नाम होगा हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और किसके साथ होगा? मुसोलिनी, हिटलर, गद्दाफी। जेपी को जेल में डाला किसने? लाखों लोगों को देश भर में उनका ये फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। किसने जयपुर जेल में डाल के संविधान में संशोधन करवाया? जिन्होंने 5 साल को 6 साल करवाया पार्लियामेंट का। ऐसा मौका है तो आप लोग भी सब भी अपना टेन्यूर 10 साल 15 साल भी कर सकते। ऐसा करने वाले कौन है? उसमें लोगों का भी उतना रुचि नहीं है। कारण क्या है? आप बहुत पुराना जाके वो कौन है, गद्दाफी नहीं तो गद्दाफी, ये कट ऑफ हो गया भाई गद्दाफी वगैरह, उसके बारे में चिंता विषय नहीं। विषय है लोग जानना चाहते हैं दिस जो महायज्ञ, द ग्रेट सर ट्रांसफॉर्मेशन द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस कंट्री। हु आर सपोर्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, हु आर अपोजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर बहस के दौरान नेताओं ने कुछ दिलचस्प बयान दिए थे, जिस पर सदन ने जमकर ठहाके लगाए। संसद डायरी से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जो पत्रा निकालता है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, किसने कैसा पत्रा निकाला कि हमको मतलब दुर्गति पहुंचा दिया। ये पत्रा वाले पंडित जी को लोग ढूंढ रहे हैं, उसको मारने तैयार है। तूने कैसा वक्त बताया कि हमारी ये बुरी हालत हो गई। ए 15,000 रुपी कॉइन, दैट इज अ गोल्ड कॉइन, एंड द गोल्ड इंपोर्ट्स हैव सर्ज्ड इन द लास्ट 4 days nearly tripled according to one estimate. So this is where the buying is going on, and jewelers have advertised. I've got messages on my SMSs. They're going to everybody saying that our shops will remain open through the night and till 20th of December we'll accept 500 and 1,000 rupee notes. Convert your black money into your into gold. मैं बहुत ध्यान से मैं इनको नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफी मुझे दुखी लगते हैं चेहरे से भी। एक मिनट प्लीज। चेहरे से माने नेता सदन वित्त मंत्री चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं, बेहतर यही होगा। ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं और वो हमारी बात सुने। और 4,000 वाले आदमी को स्याही उंगली, आप स्याही लगा रहे हो या ना चूना लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? कि देश के अधिकांश लोग जो बाहर खाना खाते हैं वो छोटे छोटे ढाबों के अंदर जाते हैं। तो क्या वित्त मंत्री ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेन है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी माननीय वित्त मंत्री जी, वही सबसे ज्यादा प्रभावित है। और जब आप वोट मांगने जाएंगे तभी आपको अंदाज नहीं, आपको लगता बहुत बढ़िया है। ये कह रहे थे अभी गोयल साहब बोल रहे थे, बड़ा लोग प्रसन्न हैं। मैंने कल परसों कहा था कि अगर गांव में चले गए आप वोट मांगने, तो महिलाएं जो
रोटी बनाने वाला बेलन होती है, उस बेलन से पीठ एक सी कर देंगे। ये हालत है आज के दिन। अभी जल्दी चुनाव मत करा देना, अगर जल्दी चुनाव करा दिया तो आपके कार्यकर्ताओं की पीठ पे हल्दी से सफाई करना ही पड़ेगी, महिलाएं इतना मारेंगी।